हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं लाई हूँ पंजाब की पारंपरिक रेसिपी, जो पंजाब की पहचान है, पंजाब की शान है और सर्दियों की तो जान है। और पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ये रेसिपी बड़े ही चाव से बनाई और खाई जाती है। और इसे मक्के की रोटी के साथ खाया जाता है और ये बहुत ही स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत पौष्टिक भी है। फ्रेंड्स, सरसों का पारंपरिक साग बनाने के लिए जो भी सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कैसे बनता है सरसों का साग। सरसों का साग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सरसों के पत्ते ले लिए हैं और ये पत्ते छोटे छोटे पत्ते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े पत्ते नहीं लेने हैं। छोटे छोटे पत्तों की सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनती है। और मैंने यहाँ पर 300 ग्राम के लगभग सरसों के पत्ते लिए हैं और कुछ इसमें से दो चार पत्ते खरपतवार के भी निकले हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से, ये अरंडी का पौधा है, तो जब आप पत्तों को छांटे तो अलग जो पत्ते दिखाई दे तो उन्हें अलग कर दें, जो आप नहीं पहचानते हैं तो उन्हें बिल्कुल अलग कर दें। और ये दो पत्ते मैं अपने गार्डन से तोड़कर लाई हूँ, ये भी सरसों के पत्ते हैं। तो देखिए कितने बढ़िया ये पत्ते हैं। मैंने सरसों के साग को 3 से 4 बार धोया है तब जाकर ये अच्छी तरह से साफ हुआ है। तो भाजी को अच्छी तरह से ज़रूर धो लें। इसके जो मुलायम डंठल है इसे रख लें और जो डंडियाँ कड़ी रहती हैं उन्हें बिल्कुल भी ना रखें, उन्हें हटा दें। और अब हम इन्हें कट कर लेंगे। तो मैं इस तरह से इसे काट रही हूँ, एकदम बारीक काटना है। साग को जितना ही बारीक काटेंगे उतनी ही बढ़िया और उतनी ही जल्दी ये बनकर तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, इसे एकदम बारीक काटना है। तो मैंने यहाँ पर सरसों का साग काट लिया है और ये देखिए कितने बढ़िया बारीक कटे हैं ये। और सरसों की भाजी का जो आधा हिस्सा हमने रख दिया था वो भी हमने कट कर लिया है। अब हम लेंगे 200 ग्राम पालक और इसे मैंने अच्छी तरह से छाट कर धो लिया है। और पालक की जो डंडियां हैं वो एकदम मुलायम है, तो मैंने ये पालक की डंडियां भी ले ली हैं। अगर डंडियां हार्ड हो तो उसे निकाल दें, लेकिन मुलायम डंडियां हो तो उसे ले सकते हैं, बस आपको इसे बारीक काटना है। तो अब हम पालक को भी काट लेंगे। तो मैं इसे दो अलग भाग में पहले कर दूँगी और उसके बाद एक एक भाग करके हम काट लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं ये वाला पार्ट जो पालक का पीछे का पार्ट है उसे मैं काट लूँगी और इसकी डंडियों को भी हम एकदम बारीक काट लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेथी का साग ले रहे हैं तो वो आप 150 ग्राम ले सकते हैं। ये बहुत सॉफ्ट डंडियाँ हैं तो ये गल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है इन्हें पकाने में। अब हम लेंगे बथुआ। बथुआ हमने लिया है 100 ग्राम और इसे मैंने अच्छी तरह से छाट लिया है। और छाटने के बाद इसे मैंने अच्छी तरह से पानी में धो लिया है और इसकी मोटी डंडी जो थी वो निकाल दी है। और अब चाकू की सहायता से इसे भी हम बारीक काट लेंगे। ये सरसों का साग है, ये पालक है और ये बथुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ आप अपने पसंद की कोई भी भाजी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर मूली के पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं, चने की भाजी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मेथी के पत्तों का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि मेरे यहाँ मेथी की भाजी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पर मेथी की भाजी के लिए क्या यूज़ करती हूँ ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम लेंगे कुकर और कुकर में मैं सबसे पहले सरसों का साग डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, अभी गैस को ऑन नहीं करना है, अभी गैस को बंद ही रखना है। वैसे तो सरसों का साग मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है लेकिन हम इसे कुकर में बनाने वाले हैं। और अब हम इसमें डालेंगे पालक। फ्रेंड्स, कुकर में भी ये साग बहुत ही बढ़िया बनता है। और अब हम डालेंगे इसमें बथुए की भाजी। तो हमने तीनों भाजियों को इसमें डाल दिया है। फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि मैं मेथी की भाजी इसमें नहीं डालूंगी, तो मैं यहाँ पर इसके लिए कसूरी मेथी डाल रही हूँ, आधा कप। फ्रेंड्स, इसको डालने से साग का टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है और किसी को इससे प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो अगर आपके घर में भी मेथी पसंद नहीं करते हैं तो आप उसकी जगह पर कसूरी मेथी डाल दें तो सब्जी का टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा और किसी को दिक्कत भी नहीं होगी। और अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। 4 हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया था। और अब हम डालेंगे इसमें 1.5 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और 1 कप पानी। फ्रेंड्स, हमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भाजी में नेचुरल वाटर होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर कुकर की लिड लगाकर और 1 सीटी आने तक इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। और 1 सीटी आने के बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो जब तक भाजी पक रही है हम यहाँ पर 1/2 कप मक्के का आटा ले लेंगे और उसे भून लेंगे। तो इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है, इसमें हमें कुछ भी डालना नहीं है, घी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। बस ऐसे ही हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। ऐसा करने से भाजी बहुत ही बढ़िया बनती है। फ्रेंड्स, जो पारंपरिक सरसों का साग बनाया जाता है उसमें मक्के के आटे को भूनकर ही डाला जाता है, तो इसे रोस्ट ज़रूर कर लें तभी सब्जी का असली टेस्ट आपको पता चलेगा। अगर आपने ये ट्रिक नहीं अपनाई है तो इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको ये ट्रिक बहुत पसंद आएगी और अब जो सरसों का साग है वो बहुत ही बढ़िया।
इसे लगातार चलाते हुए भूनना है और जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो गैस को बंद कर देना है। फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुके हैं और मक्के का आटा भुन गया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब हम कुकर को खोलेंगे। फ्रेंड्स मैंने भाजी को मीडियम फ्लेम पर 1 सीटी आने तक पकाया था, उसके बाद गैस को मैंने लो कर दिया था और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भाजी को पकाया, उसके बाद गैस को बंद कर दिया था और 10 मिनट बाद अब मैं कुकर को खोल रही हूँ। तो फ्रेंड्स भाजी एकदम पक गई है और अब हम इस मथानी से इसे अच्छी तरह से मथ लेंगे। फ्रेंड्स मथानी से इसे लगातार चलाते हुए मथना है, मथने से ये सब्जी बहुत अच्छी तरह से एक सार हो जाएगी और बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। अगर आपके पास इस तरह की मथानी नहीं है तो आप पाव भाजी का मैशर भी ले सकते हैं, पाव भाजी मैशर से भी इसे अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं। तो मैंने इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक लगातार मथानी से मथ लिया है सरसों के साग को, और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा भुना हुआ मक्के का आटा डालेंगे और मथानी को लगातार चलाते हुए आटे को मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स थोड़ा सा ये मेहनत वाला काम है लेकिन सब्जी बहुत बढ़िया बनती है, ये साग चावल के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है। अब इसमें थोड़ा सा मक्के का आटा और डालेंगे और इसे लगातार इसी तरह चलाते रहेंगे, गैस को लो फ्लेम पर रखना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया ये सब्जी बन गई है और कितनी थिक हो गई है और पूरी अच्छी तरह से ये मिक्स हो गई है। मक्के के आटे को थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, इसे एक साथ नहीं डालना है नहीं तो इसके लम्स बन सकते हैं, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा मक्के का आटा डालते जाएंगे और लगातार मथानी से इस तरह से चलाते जाएंगे। तो इस तरह से लगातार चलाने से भाजी जो है पूरी तरीके से अच्छी तरह से घुल जाती है, पूरी अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। तो अब जो आटा बचा है वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से चलाते हुए पकाएंगे। मथानी से इसे मिक्स करने में मुझे आधे घंटे से भी ज़्यादा का समय लगा है लेकिन भाजी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनी है। फ्रेंड्स सबको बहुत पसंद आई ये भाजी, तो आप इसी तरह से इसे बनाएं, आपको भी ये भाजी बहुत पसंद आई है। तो फ्रेंड्स भाजी अच्छी तरह से घुटकर तैयार हो गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स भाजी कितनी गाढ़ी हो गई है और ये मथानी में पूरी तरह से लिपट गई है और ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें भाजी की चाहिए। गैस को मैंने लो फ्लेम पर रखा है जिससे भाजी हमारी नीचे से लगे नहीं, और जो अब थोड़ा सा आटा लास्ट में बचा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है और इसे भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है भाजी और कितनी बढ़िया ये मथानी में पूरी तरीके से लिपट गई है, तो यही हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। फ्रेंड्स भाजी बहुत बढ़िया तैयार हो गई है, तो अब हम तड़का तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है और उसमें 2 बड़े चम्मच घी डाला है। फ्रेंड्स सरसों के साग में घी से ही तड़का लगाएं, इससे साग बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसमें डालेंगे मेथी। फ्रेंड्स सरसों के साग में जीरा वगैरह नहीं पड़ता है, इसमें मेथी ही डाली जाती है, तो आप इसमें 1/2 चम्मच मेथी डाल दें। फ्रेंड्स अगर आप प्याज लहसुन खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर 1 प्याज को बारीक काट कर डाल सकते हैं और आप 8-10 लहसुन की कलियाँ काट कर डाल सकते हैं। अब हम इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक डालेंगे। अब हम यहाँ पर डालेंगे अदरक के जूलियंस, इसे अदरक के लच्छे या फिर स्लाइस भी कह सकते हैं, और इसमें डालेंगे 1 लाल मिर्च और इसे हम 1 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। 1 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 2 टमाटर को बारीक काट लिया है और इसे हमने डाल दिया है। अब हम इसे चलाते हुए 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। फ्रेंड्स टमाटर डालने से सरसों का साग और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। हमने भाजी बनाते समय उसमें नमक डाला था, तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा नमक डाल रही हूँ जिससे कि टमाटर अच्छे से गल जाएँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो टमाटर गल गए हैं। और अब हम कढ़ाई में डालेंगे सरसों का साग। तो सरसों का साग काफ़ी थिक हो गया है और हमने इसे कढ़ाई में डाल दिया है, और जो कुकर में सरसों का साग बचा हुआ है जो काफ़ी थिक है, तो मैं वो चम्मच की सहायता से निकाल कर कढ़ाई में डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से चला कर मिक्स कर लेंगे। इसकी बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। तो फ्रेंड्स इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पानी डालेंगे। मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी पहले नहीं मिलाया था, तो अब मैं यहाँ पर 1/2 कप पानी डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स हमें पानी गर्म डालना है, पानी को गर्म कर ले उसके बाद ही डालें। तो मैंने यहाँ पर 1 कप पानी गर्म किया था, तो मैंने अभी 1/2 कप पानी इसमें डाल दिया है और 1/2 कप पानी मैं कुकर में डालूँगी। हमने कुकर में सरसों का साग बनाया था और वो काफ़ी गाढ़ा हो गया था, तो कुकर में हम 1/2 कप गर्म पानी डालकर और उसे अच्छी तरह से हिलाकर हम कढ़ाई में वो पानी डाल देंगे।
और अब हम इसे एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमें भाजी गाढ़ी ही रखनी है, हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, एकदम पतली नहीं रखनी है। तो यहाँ पर भाजी एकदम सही कंसिस्टेंसी में है, तो मैं अब इसमें पानी नहीं डालूंगी। और अब हम एक तड़का तैयार करेंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर तड़का पैन में एक बड़ा चम्मच घी डाला है। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और इसे लो फ्लेम पर ही रखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, तो मैंने यहाँ पर दो हरी मिर्च डाली है। और यहाँ पर हम डालेंगे अदरक के कटे हुए स्लाइसेस, और इसमें मैं दो लाल मिर्च भी डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच हींग। हींग डालने से इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है फ्रेंड्स, और सब्जी का टेस्ट भी बहुत बढ़िया हो जाता है। अब हम इसे सॉटे कर लेंगे। सरसों का साग बनाने के बाद जब आप इसे सर्व करेंगे, तो सर्व करने से पहले ये तड़का ज़रूर लगाएं, इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। अब हम इस तड़के को सब्जी में डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर तड़के को डाल दिया है और यहाँ पर सब्जी में उबाल भी आ रहा है। सब्जी हमारी अच्छी तरह से पक गई है, इसे मैंने 3 से 4 मिनट तक पकाया है, और अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, सब्जी तैयार हो गई है और बहुत ही बढ़िया सब्जी बनी है। इसका कलर भी बहुत बढ़िया आया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम सही है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सब्जी गाढ़ी लगती है तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिलाएं, और अब हम इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया सब्जी बनी है। फ्रेंड्स, इसका एक्चुअल कलर ये दिख रहा है आपको, बहुत ही बढ़िया सब्जी बनी है। मक्के की रोटी के साथ या फिर गेहूं की रोटी के साथ इसको एंजॉय कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। फ्रेंड्स, वैसे तो ये पारंपरिक रेसिपी मिट्टी के बर्तन में पकाई जाती है और इसे बनाने में कम से कम 2 से 2.5 घंटे का समय लग जाता है। मैंने इसे कुकर में बनाया है और इसे बनाने में लगभग 2 घंटे का समय लगा है, और ये बहुत ही बढ़िया बनी है। इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे कि मक्के का आटा भूनकर डालना है, जीरा या धनिया ना डालकर इसकी जगह पर आप मेथी डालें, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़िया आएगा। अगर आप मेथी की भाजी पसंद नहीं करते हैं तो आप उसकी जगह पर कसूरी मेथी डाल दें, उससे भी इसका टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप इस सब्जी को चावल या रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, और इसे 4 से 5 दिनों तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब भी ये सब्जी खाना हो तो इसे फ्रिज से बाहर निकाल लें और इसे कम से कम आधे घंटे तक बाहर रहने दें, और उसके बाद इसे गर्म कर लें, उसके बाद आप इसे इंजॉय करें, बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।